अब आपको भी अगर अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो आप माइक्रोफोन ढूंढते हैं। मैं काफी सारे माइक्रोफोन दिखा चुका हूं। मैंने अब ये नया माइक्रोफोन लिया है, माउनो का PM461S। आज मैं आपको इसका पूरा सेटअप करके इसका रिकॉर्डिंग सैंपल भी सुनाने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है BR टेक फिल्म्स पे। तो ये है इसका मेन बॉक्स। मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था, बड़े बॉक्स में आया था और अंदर इसका ये मेन बॉक्स निकलता है। तो ये कंप्लीट किट है माइक्रोफोन की, जिसमें आपको बूम आर्म भी मिल रहा है और यहाँ पे पॉप फिल्टर भी मिल रहा है। मॉडल है PM461S, याद रखिएगा। इसमें लिखा है बिग बिलियन डेज स्पेशल। एस क्यों कहा था मैंने, उसके बारे में बता देता हूँ। ऊपर की तरफ में इसके और हाइलाइट्स लिखी हुई है कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो यहाँ पे इसका ड्राइवर साइज लिखा हुआ है जो कि 14mm का है, कार्डियोइड पैटर्न है और भी इसकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं बताता हूँ। ये है PM461S, ये बूम आर्म वाली किट है। PM461 जो माइक्रोफोन आता है, माइक्रोफोन यही है लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्राईपॉड मिलता है। चलिए आज मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे सिलिका जेल है, इसको सबसे पहले फेंक देना, इसको आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने अनबॉक्स कर लिया है। पेपर वर्क में यूजर मैनुअल और यहाँ पे कुछ वारंटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा कार्ड आपको मिल रहा है जो आपके काम आ सकता है इनकेस आपको वारंटी इसकी क्लेम करनी हो तो। यहाँ पे टाइप ए टू टाइप बी वाली केबल, माइक्रोफोन के बारे में आगे बात करूंगा। दो वेलक्रो स्ट्रैप मिल रहे हैं यहाँ पे आपको केबल मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस पर भी ईमेल आईडी दे रखी है इनकी सपोर्ट की। ये रहा टेबल क्लैंप, पॉप फिल्टर, उसके अलावा यहाँ पे ये रहा इसका माउंट जिसमें माइक आपका माउंट होने वाला है और पीछे की तरफ में ये है इसका बूम आर्म। चलिए इसको सेटअप करते हैं, चीज़ों की क्वालिटी के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है माइक्रोफोन दिखाता हूँ। माइक्रोफोन में आपको एक सिंगल बटन मिलता है जो कि गेन का है, जिसकी वजह से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। आगे मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोफोन की बात करूं, काफी ज्यादा लाइट वेट है, प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन जो उसकी ग्रिल है वो पूरी मेटल की है। नीचे की तरफ में आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा कनेक्टिविटी के लिए, ऊपर की तरफ भी आपको मेटल ग्रिल मिल जाएगी। ये है माइक्रोफोन की क्वालिटी। यहाँ पे मुझे अच्छा क्या लगा वो ये है इसका पॉप फिल्टर, और ये पॉप फिल्टर मेटल का बना हुआ है। नॉर्मली जितने भी माइक्रोफोन के पॉप फिल्टर मैंने पहले यूज किए वो सब फैब्रिक वाले मेट थे, ये मेटल का बना हुआ है। देखेंगे रिकॉर्डिंग में कितना हेल्प करता है। ये है मेन किट, मुझे अच्छी लगी। टेबल क्लैंप को सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं, मैं आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ। टेबल क्लैंप को सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से कसना है। इस टेबल क्लैंप के ऊपर में आपका बूम आर्म लग जाएगा। बूम आर्म को आपको लगाने के बाद में ये स्क्रू पहले लूज करना है, बूम आर्म लगाना है और उसके बाद में ये स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। आपका बूम आर्म रेडी हो चुका है। बूम आर्म की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, जैसे कि 3-4 हज़ार के माइक्रोफोन्स में आती है, पहले भी यूज़ कर चुका हूँ इस तरह के बूम आर्म्स में। अब यहाँ पे इसको सेटअप करना है, तो इसका शॉक माउंट जो है, ये शॉक माउंट की क्वालिटी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। माइक्रोफोन को इसमें इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, टाइट होने के बाद भी थोड़ा बहुत ये घूमता रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी क्वालिटी मुझे यहाँ पे शॉक माउंट की ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पे पॉप फिल्टर को सिंपली यहाँ पे टक कर दिया है मैंने और ये पॉप फिल्टर फिट हो चुका है। वैसे यहाँ पे क्वालिटी माइक्रोफोन की मुझे अच्छी लगी, पॉप फिल्टर की अच्छी लगी। शॉक माउंट आप चाहें तो फ्यूचर में रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे बूम आर्म के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये स्क्रू को मुझे कसना है और यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योरली फिट हो चुका है। इसका सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें सिर्फ इसकी यूएसबी केबल लगानी है। और हाँ, ये जो माइक्रोफोन है ये सिर्फ आपके पीसी में ही काम करने वाला है, विंडोज हो या मैक दोनों पे काम करेगा, मोबाइल फोन में ये काम नहीं करेगा। मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, सेटअप मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटअप हो चुका है। पहले मैं इसका आपको वॉइस सैंपल सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि इसमें वेलक्रो स्ट्रैप दे रखा है, यूएसबी केबल मैंने लगा दी है, केबल मैनेजमेंट के लिए दो स्ट्रैप यहाँ पे दे रखे हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि मैंने वेलक्रो स्ट्रैप को किस तरह से फिक्स किया है। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे केबल को यहाँ पे चिपका दिया है इस वेलक्रो स्ट्रैप की मदद से। तो यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन का सेटअप रेडी हो चुका है। अब मैं ये सेटअप आपको स्टूडियो में इस जगह करके दिखा रहा हूँ। अब मैं अपनी कंप्यूटर डेस्क पे इसको लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद में कुछ इसका वॉइस सैंपल सुनते हैं और उसके बाद में मैं अपने कंक्लूजन के बारे में आपको बताऊँगा। और हाँ, अब ये जो केबल है यूएसबी की, इसे मुझे सिर्फ कंप्यूटर में प्लग करना है और ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूं। इसको सबसे पहले मैं कंप्यूटर में सिर्फ प्लग कर रहा हूं यूएसबी की मदद से। इसमें कोई भी लाइट नहीं जलती है, इसमें कोई भी लाइट नहीं जलती है, फिर से बता रहा हूं। कंप्यूटर में प्लग करूंगा, ऑडासिटी पे एक सैंपल आपको लाइव में सुना रहा हूं कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है और उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी वॉइस में। अब पहले आप सैंपल को सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब ये सारी रिकॉर्डिंग इसी माइक्रोफोन से हो रही है और मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये फ्रंट है इसका और बैक में मैं इसके फिर से टैप करता हूँ,
तो फ्रंट से इस तरह की रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप गेन को बढ़ाना चाहें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से, और अगर मैं गेन को यहाँ पे घटा देता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। मैं गेन को सेंटर में रखना प्रेफर करता हूँ, और क्योंकि कार्डियोइड पैटर्न पे ये माइक्रोफोन काम करता है, ये सारी आवाज़ जितनी भी रिकॉर्ड करेगा आगे से करेगा। अगर मैं माइक्रोफोन को घुमा दूँ इस तरीके से तो ये पीछे से मैं बात कर रहा हूँ, तो कितनी रिकॉर्डिंग ये कर रहा है, पीछे से कितनी आवाज़ को पिकअप कर रहा है। और मैं वापस इसको अपनी तरफ लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये सारा सैंपल इसी माइक्रोफोन का साउंड सैंपल आपने सुन लिया। क्योंकि मेरा स्टूडियो साउंड प्रूफ है तो यहाँ पे इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। बैकग्राउंड नॉइज़ ये कैप्चर जरूर करता है, और भी माइक्रोफोन्स करते हैं। उस चीज़ों का ध्यान आपको देना है कि आप रिकॉर्डिंग किस तरह के एरिया में कर रहे हो, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग क्रिस्प और क्लियर है वो आपने सुन लिया। और एक चीज़ का ध्यान और रखना, जैसी आपकी आवाज़ है रिकॉर्डिंग वैसी ही होगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आपकी तरह हमें वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी आवाज़ जैसी भी हो, हल्की है या भारी, रिकॉर्डिंग वैसी ही होगी। लेकिन माइक्रोफोन का सिर्फ ये काम है कि वो आवाज़ को क्लियरली रिकॉर्ड कर लेता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, कंक्लूजन पे आऊँ, सब कुछ बताऊँगा, प्राइस भी बताऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पहला माइक था वो भी माउनो का था, आज से 2.5 साल पहले मैंने इसको खरीदा था। ये जो माइक्रोफोन है इसमें 2 पोर्ट्स मिलते हैं, हेडफोन भी इसमें लग जाते हैं, और ये टाइप सी के पोर्ट के साथ में आता है। हालांकि ये जो माइक्रोफोन है इसको टेबल पे रखना होता है, ये किट के साथ में नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ करके बूम आर्म पे इसको भी लगा रखा है क्योंकि मुझे ऐसा ही सेटअप चाहिए था। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो या मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ में जो आप आवाज़ सुनते हो वो इसी माइक्रोफोन से सुनते हो। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में भी यही माइक्रोफोन है। तो अब मैं बात करता हूं उस माइक्रोफोन की जिसको मैंने आज आपको दिखाया, यानी कि माउनो का PM461S। मेरा कंक्लूजन क्या है PM461S यानी कि इस माइक्रोफोन को लेके, ये माइक्रोफोन अच्छा है, रिकॉर्डिंग कर लेता है, क्लियर रिकॉर्डिंग होती है, मैंने आपको सैंपल सुना दिया था। प्राइस है इसका 3299 और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको ये खरीदना चाहिए या फिर अभी, क्योंकि मैंने आपको अपना फेवरेट माइक और पहला माइक दिखाया था AU902 जो है उसका मॉडल नंबर, तो 902 लेना चाहिए आपको या फिर ये लेना चाहिए। देखिए 902 में आपको हेडफोन मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर दोनों में रिकॉर्डिंग की बात करूं तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा इन दोनों में। अब वो मेरी प्रायोरिटी 902 इसीलिए है क्योंकि उसमें हेडफोन कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कंप्लीट किट के साथ में नहीं आता है, जैसे कि ये आ रहा है बूम आर्म की कंप्लीट किट के साथ में। उसको सिर्फ आप टेबल पे रख सकते हैं, वो स्टैंड के साथ में ही आता है। तो आपको अगर लेना है उसमें या इसमें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है वॉइस रिकॉर्डिंग में, बहुत ही माइनर सा फ़र्क है। आप अपने हिसाब से अगर आपको कंप्लीट किट चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका टेबल पे रखने से काम हो जाएगा तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे और भी माइक्रोफोन्स के वीडियोस मैं बना चुका हूँ, पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे माइक्रोफोन्स को मैं टेस्ट करता रहता हूँ। मुझे शौक है बहुत ज़्यादा, तो मैं माइक्रोफोन्स के साथ में भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और एक दो माइक्रोफोन्स मैं भी और देख रहा हूँ, अगर मुझे समझ में आया तो मैं उनको भी खरीद के जल्दी उसका भी रिव्यू करूँगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में बी आर टेक फिल्म्स पे कुछ नए गैजेट्स के साथ में, अलग अलग तरह के गैजेट्स दिखाता हूँ मैं इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टिंग गैजेट्स देखने हैं तो।